हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने वाले हैं ये ब्रेड से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। आपको बहुत ही पसंद आएगा। एक बार मेरे इस तरीके से बनाकर देखिए। कचौड़ी पकौड़ी या समोसे अगर आप खाते हैं तो ये नाश्ता आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो मेरी इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो बहुत ही चटपटा और कुरकुरा ये नाश्ता आप फटाफट बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगेगा, बनाने में आसान है दोस्तों। बच्चे हों या बड़े, सभी को पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 4 से 5 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। ये नाश्ता ब्रेड से जो बना रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। एक बार इस तरह से बनाकर देखिए। तो ब्रेड को हम क्या करेंगे, एक मिक्सी जार में डाल के और इसके इस तरह से टुकड़े कर लेंगे। यानी टुकड़े करके हम इसे डालेंगे। तो इसे पाउडर बना लेते हैं, यानी ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत ही चटपटा और टेस्टी ये नाश्ता आप बना सकते हैं। कम टाइम में बनके तैयार हो जाता है। बिना किसी झंझट के घर में कुछ ही रखी हुई चीज़ों से आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, टुकड़े मैंने करके मिक्सी जार में डाल लिए हैं। इसका पाउडर बना लेते हैं। तो 2 दिन पुरानी ब्रेड भी आप इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे ताज़ी ब्रेड से भी नाश्ते को बना सकते हैं। अब लेंगे एक बाउल और उसमें ये ब्रेड क्रम्स सारा हम पलट लेते हैं। साथ ही साथ मैंने एक आलू लिया है, मीडियम साइज़ का आलू था, बॉयल आलू, जिसे मैंने इस तरह से घिस लिया था। और अब इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच शिमला मिर्च, 1 मीडियम साइज़ की प्याज जिसे मैंने कट कर लिया था, उसे इसमें ऐड कर देते हैं। तो अगर आपके पास और भी सब्जियां हैं जैसे गाजर, गोभी, मटर, आप इस नाश्ते में ऐड कर सकते हैं। उसे 3 मैंने हरी मिर्च कट करके ऐड की है। थोड़ी सी मैंने पालक बारीक कट करके की है। 1/2 चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर डाल देती हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च, टेस्ट के हिसाब से नमक जाएगा। जीरा पाउडर डाल देंगे। यहाँ पे मैं 2 चम्मच इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ। तो बस इन सारी चीज़ों को हम ऐड कर देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया बनता है दोस्तों। अक्सर क्या होता है, बच्चे सब्जियां नहीं खाते। बारीक कट करके इस तरह से नाश्ता बना के दीजिए, नाश्ता भी उन्हें बहुत ही पसंद आएगा। तो बस ये देखिए, मैं इसे हाथों से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि इसमें मैं कोई पानी ऐड नहीं करूँगी। आलू पड़ा है और कुछ सब्जियाँ हैं जो कि पानी छोड़ेंगी, उसी में ये मिश्रण तैयार हो जाएगा। बिल्कुल डो की तरह हमें इसे तैयार करना, यानी ये सिमटने लगे कुछ इस तरह से। तो इसे हम थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद देखेंगे कि ये काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। अब एक प्लेट या थाली लेके और उसमें थोड़ा ऑयल लगा के इसे नाश्ते को फैला लेते हैं, जिससे अच्छी सी इसमें हम कटिंग कर लें। थोड़ी सी मैंने इसमें पालक की जो बारीक कट की थी वो थोड़ी डाल दी है। आप धनिया पत्ती भी इसमें ऐड कर सकते हैं या करी पत्ते भी बारीक कट करके इसमें ऐड कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया इसमें टेस्ट आएगा। तो बस इस तरह से नाश्ते को आप जैसे भी कट करना चाहें आप वैसे बना सकते हैं। मैं कुछ इस तरह से पिज्जा कटर से कट कर रही हूँ, तो देखने में भी अच्छा लगेगा। और जबकि हम इसे सेकेंगे यानी इसे बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाएगा। तो इस तरह से सारे टुकड़े मैंने निकाल लिए हैं और एक एक टुकड़े को इस तरह से शेप दे दें, दबा दें और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा ये नाश्ता बनके तैयार होगा। तो सभी को बस इसी तरह से तैयार कर लेते। इधर मैंने एक पैन रख दिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया है। तो आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी करके बना सकते हैं। तो बस एक एक करके जब ऑयल गर्म हो जाए तो इन्हें हम सेक लेते हैं। बहुत ही बढ़िया कलर आएगा, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बनके तैयार होगा। तो बस इसे धीरे से सिकने देते हैं। उसके बाद थोड़ी देर में हम इसे पलट देंगे, थोड़े से ड्राई होने लगे। तो ये देखिए, नीचे से सिक चुके हैं। तो सभी को हम इसी तरह से पलट देते हैं तो काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे दोस्तों। ये नाश्ता बहुत ही गजब का बनता है। आप इसे इस तरह से बना कर रख लीजिए, जब भी आपका मन हो तब आप इसे फ्रिज से निकाल के और इस तरह से सेक सकते हैं। बच्चों को बनाकर टिफ़िन में दीजिएगा, टिफ़िन बिल्कुल साफ़ करके आएंगे, बहुत ही पसंद करेंगे। तो एक बार इस तरह से बनाइए, शाम की चाय हो उसके साथ इसे लीजिएगा। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है क्योंकि इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता और कम चीज़ों में आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। देखिए, लग रहा है ना, बहुत ही यमी और काफ़ी क्रिस्पी सा। तो एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सा ये नाश्ता आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो ब्रेड से बनी नाश्ते की रेसिपी ऐसी कई सारी मेरे चैनल पे हैं दोस्तों, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही पसंद करेंगे उन रेसिपियों को। तो बस आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ चटपटा और झटपट बनाना हो तो इससे बेहतर रेसिपी हो ही नहीं सकती। बहुत ही मज़ेदार, और बच्चे भी पसंद करेंगे, बड़े भी। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
हमेशा कोशिश करती हूँ दोस्तों कि घर पे जो भी सामान है उसी से आप रेसिपी बना सकें। बहुत ही बढ़िया और कम बजट में टेस्टी सी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुर्गा द लाइफ को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों आने वाली रेसिपी देखने के लिए। तो फिर से मिलूँगी ऐसी ही बेहद चटपटी, मज़ेदार और बहुत ही फटाफट बनने वाली रेसिपी के साथ।